If you want to do this with the AK-47. Oh, AK like you. I have the perfect video for you and the perfect loadout for you, so please watch till the end and let's get started. Launch okay, थोड़े दिन हो चुके हैं and AK-47 तुम्हारी भी काफी level up हो चुकी होगी. If you guys are looking forward to play the AK-47, ये है इसका perfect loadout जो मैं use कर रहा हूँ, जो तुमको gameplay आगे देखने मिलेगा. This is what AK-47 can do in the game. Although it is not the best gun in the game, इससे भी better gun है जो आगे आपकी unlock होगी. But pretty start game के start में this gun is pretty good and these are the attachments you have to look. मैं एक और video बनाने वाला हूँ जो best gun होगी X-Defiant की, उसके attachments वगैरह, उसका loadout पूरा बताएंगे. But this video is all about AK-47. So first I'm gonna use the muzzle which is called barrel extender. ये तुम्हारा फायर पावर बढ़ाएगा, तुमको ज़्यादा डैमेज मिलेगा बेसिकली. सो शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज तुम्हारा डैमेज बढ़ जाएगा. यू कैन ऑल्सो यूज़ लाइट सप्रेसर इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रेड इन दैट स्नीक अबिलिटी एंड तुमको मिनी मैप पर नहीं दिखना है तो यूज़ द लाइट सप्रेसर इंस्टेड ऑफ बैरल एक्सटेंडेड. बट तुम्हारा फिर डैमेज कम हो जाएगा, दो दैट इज़ वॉट यू नीड टू कीप इन माइंड. बट आई एम गोइंग विद बैरल एक्सटेंडर. सेकेंड, जहाँ पे अपन बैरल पे आते हैं तो आई एम यूजिंग द रिकॉन बैरल विच गिव्स यू मिनीमैप की विजिबिलिटी और वो तुमको ADS स्पीड भी देगा. जब तुम AK-47 से स्टार्ट करोगे तुम लोग नोटिस होगा कि AK टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ADS, मतलब स्कोप इन करने में बहुत टाइम लगता है. सो यू नीड टू फोकस ऑन इंक्रीजिंग द ADS स्पीड ऑफ द गेम एंड दिस इज व्हाट दिस बिल्ड इज फोकस्ड ऑन. ADS स्पीड, मोमेंट एंड डैमेज, दिस थ्री थिंग्स, ADS स्पीड और मोमेंट मेरे टॉप पे है. अगर तुमने SK वाला वीडियो तुमको देखना है जिसमें ही वॉज टेलिंग मी हाउ क्रेजी माई मूवमेंट इज विद द AK-47, वो वीडियो आने वाला है. एंड दिस इज़ द बिल्ड आई वॉज यूजिंग. तो रिकॉन बैरल तुमको लगाना है, स्टेबलाइजिंग बैरल और क्रोमलाइन बैरल में ADS स्पीड तुमको नहीं मिल रही है, क्रोमलाइन बैरल में कम हो रही है, तो आई एम नॉट गोना यूज़ दैट. एंड बाकी सब में अभी तक अनलॉक नहीं हुए तो आई कैन नॉट से, बट रिकॉन बैरल इज़ द वे टू गो. ऑप्टिक्स, मैं ऑप्टिक्स नहीं यूज़ कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट. आई वॉन्ट द other fire attachments. You can only use fire attachments in any gun, by the way, if you guys didn't know. तो ये पांच अटैचमेंट में ऑप्टिक्स और मैगजीन नहीं आएगा. मैगजीन मैंने लगा के ट्राई करा था इंस्टेड ऑफ मजल, इंस्टेड ऑफ रिकॉन, मैंने सब पे स्वॉप आउट करके देखा. बट टू बी ऑनेस्ट दैट ऑप्टिक की वो ज़रूरत मेरे को नहीं लगी. विदाउट ऑप्टिक ऑल्सो यू कैन श्रेड. AK-47 इन X-Defiant हैज़ प्रेटी गुड आयरन साइट्स. सो ऑप्टिक्स और मैगजीन दोनों की ज़रूरत मुझे नहीं लगी टू बी ऑनेस्ट. If you play smart, if your positioning is good, you won't need to reload again and again, और वो magazine की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Rare grip में आते हैं तो मैंने fabric choose किया है which gives you 10% ADS speed and 5% ADS stability, which is good because I am jumping around like a maniac according to SK, so that ADS stability just comes in hand and the fabric grip helps me do that. ADS स्पीड भी तुमको अच्छा खासा 10% मिल रहा है, सो दैट गोज एंड बहुत ही फास्ट हो जाती है इसका स्कोप एंड टाइम. नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द स्टॉक. राइट नाउ आई डोंट ओनली हैव टू स्टॉक अनलॉक. आई एम गोइंग विद द फर्स्ट स्टॉक, पैडेड स्टॉक, विच गिव्स अस रिकॉइल रिकवरी विच इज़ वेरी मच नीडेड इन AK-47. रिकॉइल थोड़ा सा ज़्यादा है, ऑल्दो नॉट दैट मच. इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग दैट, यू कैन स्वॉप दिस आउट विद द मैगजीन इफ़ यू वॉन्ट. बट मेरे को मैगजीन का भी, अगेन मेरा पोजिशनिंग, मेरे प्ले स्टाइल के हिसाब से आई डोंट वॉन्ट मैगजीन, तो मैंने पैडेड स्टॉक को रखा है टू गिव मी द मोर ADS स्टेबिलिटी, ADS फिंच कंट्रोल एंड रिकॉइल रिकवरी. यू कैन स्वॉप दिस आउट विद अ मैगजीन इफ़ यू वॉन्ट, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए ये बेटर है. प्रिसीजन स्ट्रोक में ADS स्पीड लॉस हो रही है तो दैट इज़ अ बिग नो, और अभी तक दूसरे अनलॉक नहीं हुए हैं एंड दूसरे भी मेरे को कुछ खास लग नहीं रहे. सो पैडेड इज वॉट आई वॉन्ट टू गो विथ. सो दिस इज द AK-47 बिल्ड यू नीड टू ट्राई आउट एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो कि तुमको ये बिल्ड लेके मजा आया कि नहीं. अगर तुमको और बिल्ड्स चाहिए, कौन से गन्स के बिल्ड्स चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो. ACR का बिल्ड बहुत जल्दी आने वाला है, TAC-50 का भी एक बहुत जल्दी बिल्ड आने वाला है. आई एम इन प्रोग्रेस टू अपग्रेड दोज गन्स, तो जैसे जैसे उनके अटैचमेंट अनलॉक होंगे वैसे वैसे आपको लोड आउट वीडियो आ जाएगा. सो प्लीज़ डू एंजॉय दिस, ये आगे जो गेम प्ले आने वाला है AK-47 का. होप यू गाइज लाइक इट. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. डिनर खेल रहा हूँ भाई, मेरे को क्या पूरी कर रहा है भाई. फ्रेंडली फायर.
अरे मैं किसी के बम नहीं कूद गया भाई। ओए मैप के बाहर गिर गया अब। वाह। They're taking zone B. Doctor Zone is ours now. The enemy is taking zone A. अरे आजू बाजू घूमोगे ना तो हेल्थ बढ़ता रहेगा तुम्हारा, हील जल्दी होगा भाई। ये AK का बिल्ड है ना भाई, वो डी सिंक वाला। मैं साइड से कैसे मार रहा हूँ, एल्डोराडो मेरे को उसको डैमेज वो असिस्ट मिला। ओहो एक एल लगी भाई, दो दो लोग कूद रहे, मारो खुद के नेट से। वाह यार फेंक दिया। भाई बीच में कूद ही गया मैं, दो मारा मैं नीचे कूद के। लमाओ भाई, ये है ना AK का पावर भाई। भाई इसको हील दो। AK कौन सी लेवल है तेरी? मेरी 20। बेस्ट गन है भाई, बेस्ट गन। भाई ए लेने जा रहा हूँ मैं, ये सारे बी जा रहे हैं। ओह भाई व्हाट द हेल भाई, भाई भाई आग वाला लिया, क्या प्ले किया है मैंने भाई। अब क्या नेल किया भाई मैंने, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया भाई। मैंने सेकेंडरी SMG ले ली। अरे तीन पीछे से आ रहे हैं। लेट्स गो, भागो। भाई लो है, बहुत लो है वो। अरे यार एमो के कारण मत। तीन सिक्के मिल गए भाई। मर गया भाई, भाई बंदे। मैं खुद को ही फ्लैश बैंक कर रहा हूँ भाई, क्या सब हॉट शॉट हूँ, मेरे को कवर दो। भागो मेरे पीछे, मैं अपने ही टीम में फ्लैश बैंक।
मैंने कुछ नहीं. What a need. But what a end. Let's go. So as you saw, this AK build is completely busted. Two games and two player of the game. This AK build is very good. You have to get your AK to level 20, level 19 around to get this and drop 30 bombs like this is crazy. 31 kills, 16 deaths and almost 30 kills in the last game too. Thank you so much everybody for watching. I'll guys see you in the next loadout video. See you guys.